केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मेंढर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया। 90 के दशक में यहां बहुत गोलीबारी होती थी क्योंकि यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह ने कहा कि अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, इनकी हिम्मत नहीं है कि गोलीबारी करें। अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोले से देंगे। अमित शाह मेंढर के बाद पूंछ, थाना मंडी, राजौरी और अखनूर में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह का 5 दिन में यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 16 सितंबर को उन्होंने पाडर, नागसेनी, किश्तवाड़ा और रामबन में जनसभा की थी। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के पासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली है। और मैं आज मेंढर की इस पहाड़ी पर आकर आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा देश आप पर नाज करता है, पूरा देश आपका सम्मान करता है।